हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अलामा तारुल कादरी के इत्तेहादियों की सियासी गाड़ी कैसे चल रही है, आइए देखते हैं। एहतजाज गाड़ी कादरी साहब, आप एहतजाज गाड़ी ले आए हैं, आपने क्या इस दफा एहतजाज मौत के कुएं पे करना है? ये हम सब इत्तेहादियों की एहतजाज गाड़ी है जिसे हमने मफाहमत की जादू से तैयार करवाया है। देखो जी, कार तो ऐसे तंग सकती है जब गाड़ी नहीं हो या उसमें दूल्हा बैठा। बिल्कुल ठीक कहा शेख साहब, हो सकता है हाँ साहब का एहतजाज करते करते शादी का मूड बन जाए। हमारी बात ध्यान से सुनी, मुफाहमत से तैयार करता ये एहतजाज गाड़ी हम आप लोगों के हवाले करके जा रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा, हम फिर कभी आएंगे। चलो कादरी साहब, ये एहतजाजी गाड़ी तो मैं अपने बाएं हाथ से भी चला सकता हूँ। बाएं हाथ से गाड़ी चलाएंगे तो गेर के अपने मुंह से लगाएंगे। देखे जी, शेख तो हाथ छोड़कर भी गाड़ी चला सकता है। शेख साहब, ये गाड़ी है कदा गाड़ी नहीं, ये जो आप हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं। वैसे भी शेख साहब जब ड्राइविंग सीट पर बैठे तो इनका पेट स्टीयरिंग के नीचे छुप जाता है, लिहाजा ये एहतजाज की गाड़ी मैं खुद ड्राइव करूंगा। ओह कादरी साहब, आप ये गाड़ी नहीं चला सकते। क्यों, ये गाड़ी ड्राइवर के बगैर चलती है क्या? मुझे डर है कि आप ब्रेक की बजाय इंकलाब का नारा न मार दे। फिर तो ड्राइविंग शेख ही करेगा। बच्चे शादी की है सराजल अच्छा, जैस तो सिर्फ चार है जो कहा छुपा कर रखी हुई है। वो शेख साहब मैं सियासी शादियों की बात कर रहा है, ये हमने उनके साथ मेरा दूसरा शादी हुई है, इसीलिए मेरा पार्टी को पीटीए के साथ अलाला करना पड़ा है। देखे वैसे तो मैं भी गैर शादी शुदा हूँ, बहुत अरसे से मेरी सियासी पार्टी पीटीआई के निकाह में है। वैसे शेख साहब, मेरा शदीद तरीन ख्वाहिश था कि आपका निकाह भी मैं पढ़ाता। शेख का तो मास्टर नहीं पढ़ा सके, निकाह कौन पढ़ाएगा? जल्दी जल्दी निकाह शुरू करें सिराज अल हक साहब, शेरवानियों का किराया भी पड़ रहा है। आपने तो बिल्कुल इमरान खान जैसी बात की है, वो तो जूते भी किराए पर लेकर पहन लेते हैं। वो चलो कहा शुरू करते हैं मैडम। जकाउल्ला वक्त समीउल्ला, मैं निकाह सिक्का रजल वक्त 25 रुपए भरा ने, आप लोगों का कबूल है? कबूल है, कबूल है। माशाल्लाह जी, दुआ करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, आपका निकाह हो गया है, आप दोनों अपने अपने शहर काबू करें। मुकरा तो दिखाए, शेख भी तो देखे कि ये कौन है जो शेख की तरह अभी तक कुआरा है। शेख का अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला, ये तो अपने खान साहब है। वाह खान साहब, अगर तेरे पास होता ना तो भी हम क्या कर सकता। इसकी बात का तो दुख है कि ना मैं वजीर आजम बन पाता हूँ और ना मेरी शादी हो पाती है। जैसे शादी होने लगती है लोग पहले रोला दे। इस एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आ जाओ, मान जाओ ना। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो। छूट दो ना जानू, और बैठ जाओ मेरे साथ बाइक।
मैं कहती हूँ मेरा पीछा छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। जो बुरा मेरे साथ हो चुका है और इससे ज्यादा क्या बुरा होगा। मेरा मतलब है कि आ जाओ बैठ जाओ ना बाइक पर, आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे कमीने, एक मिनट ठहरो मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। हेलो वेमन सर की सर जी, मुझे एक मर्द बहुत तंग कर रहा है, आप एड्रेस लिखें और फौरन पहुंचे यहाँ पे। झूठ मूठ की कॉल करके तुम मुझे डरा रही हो? लेकिन मैं भी डरने वाला नहीं हूँ, ये मैं बता दूं आपको, बड़ी देखी मैंने भी ऐसी कॉलें। अभी पता चल जाएगा। कहीं सचमुच तो कॉल नहीं कर दी? अरे आम कुड़ियों को छेड़ता वो बाजी, फिकर ना करे अब मौजे। मैडम जी आप बेफिक्र रहे और साहब जी ये 2000 से कम तो कभी नहीं छोड़ना। अरे शमीम समझाओ इनको। हाँ वो कुड़ी का नाम भी जानते, ये तो सीधा ब्लैकमेलिंग का केस हो गया। और तो पढ़ाई लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म ही आती, और घर में माँ बहन नहीं है क्या? बीवी है बीवी। और जब घर में अपनी बीवी मौजूद है तो दूसरों की बीवियों को क्यों छेड़ते हैं? ओ साहब जी इसके घर बता दो ना, इसकी बीवी से इसकी पढ़ाई करवाते हैं। घर में नहीं जी, यही मेरी बीवी है जिसने आपको कॉल करके बुलाया है। अच्छा अभी बीवी तुझे तो आज हम नहीं छोड़ेंगे। साहब की मेरी बात का यकीन करें, ये वाकई मेरी बीवी है। जब वो आपको अपना शोहर नहीं मानती तो हम क्यों माने हैं? अरे शमीम देखो इनको। चले छोड़ दें बस इसे, इसकी इतनी ही सजा काफी है। क्या वाकई तुम्हारी बीवी है? हाँ जी वाकई मेरी बीवी है, उसको 6000 का सूट जो नहीं दिलवाया इसीलिए नाराज हुई हुई है। नाराज तो क्या है, पराठे बना के खिलाऊं? तुम्हारी अम्मा पता 50,000 की नई आंखें लगवा दी और मुझे 6000 का सूट भी नहीं लेके दिया। भाई बताए क्या ऐसे जालिम शोर होते? वो जी बीवियां तो आप जैसी होती हैं, शोरों को कोई खास पता नहीं है। माफ करना भाई मुझे ये बताओ इतनी खतरनाक बीवी खुद ली थी क्या तुम्हारे वालदैन ने तुमसे कोई इंतकाम लिया था? ये ज्यादती है वैसे बेगम, कल तुमने मुझे खुद मारा और आज अपने भाइयों से यानी कि पुलिस वालों से मार पड़वाई। अच्छा ना सॉरी, अब मुझे सूट ले दो ना। अच्छा चलो आओ बाइक पे तो बैठो। हाय 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 हमारी स्टोरी है, आप घर से ऐसे ही पढ़ती है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम से 5-5 वनडे मैचेस हार गई। इस पर देखते हैं एक पैरोडी सीन। कितने आदमी थे? आदमी तो बहुत थे, खिलाड़ी 11 थे। और अंपायर भी दो। बचो बचो मुझसे बचो। वो 11 थे और सरफराज तुम्हारे पास भी तो 11 थे, फिर भी हार के आ गए। सरफराज तुमने भी धोखा दे दिया। क्या समझते हैं हम खिलाड़ियों पे पैसे नहीं लगाते? वो जोन साहब खिलाड़ियों पर पैसे ही तो लगाते हैं, इसलिए तो टीम आ जाती है। क्या मतलब, यानी मैच फिक्सिंग? जी जोन साहब ये तो नवाज शरीफ के साथ मिलकर पूरा इलेक्शन फिक्स कर चुके हैं।
तभी तो इनाम के तौर पर जलसा चेयरमैन बनाए गए हैं। मियां नवाज शरीफ इलेक्शन अपनी धांधली से जीते थे, मेरा मतलब है अपनी काबिलियत से जीते थे। अब फिर मियां नवाज शरीफ आप पे इतने मेहरबान क्यों हैं? आप उनके सर की मालिश करते थे? वो जलसा सर की नहीं, पांव की। तौबा तौबा, मियां नवाज शरीफ तो तहे को हाथ भी नहीं लगाने देते, घुटनों को जितना मर्जी लगा। अच्छा नदीम सेठी साहब, आप न्यूजीलैंड से कम एक मैच तो जीत लेते। हमने भी यही सोचा था, लेकिन सरफराज ने कहा जहाँ चार की बेइज्जती हुई वहाँ पांच की करवा लेते। इसका मतलब इस बार सरफराज धोखा दे गया। वो जोलसा अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली से शादी जो कर ली इसलिए। वैसे नजम सेठी साहब, आपके खिलाड़ी इतनी जल्दी आउट हो रहे थे जैसे उनकी चाय ठंडी हो रही हो। देखो, खिलाड़ियों का कसूर नहीं, न्यूजीलैंड के बॉलर गेंदे ही इतनी तेज फेंक रहे थे। देखो जोलसा क्या करते, गैल जोलसा वो बैट्समैनों के हाथों में पकड़ाते, लो भाई लगा लो शॉट जोलसा। इंद्री साहब, मैं आपको बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, आपको जोलसा पूरी कौम बर्दाश्त कर रही है। आप तो जोलसा क्रिकेट ऐसे चला रहे हैं जैसे कोई जोलसा चाय का खोखा चलाते हैं। आप भी पिच पर ऐसे भागते थे जैसे हाथी रनवे पर भाग रहा हो। सेमीफाइनल शुरू हो गए, मुझे इजाजत गोलियां ला रही। इतना आई है कि अमेरिका में एक ऐसा आईना तैयार किया गया है जो आपकी हिदायत के मुताबिक तस्वीर खींचेगा और प्रिंट भी निकाल कर देगा। खवातीन अब शोहरों से ऐसे ही आईने की फरमाइश किया करेंगी। फैसलाबाद वालों की दो चीजें बहुत ही मशहूर हैं, एक इनकी जुगत और दूसरा इनके सियासतदान। इसी तरह के एक सियासतदान डॉक्टर मुअज्जम ने दावा किया है कि उन्होंने पानी से पेट्रोल बना लिया है। वैसे जिस तरह का पानी हम पी रहे हैं, पेट्रोल से कम तो वो भी नहीं। बढ़ते रहो साथियों, मंजिल नजदीक है। बढ़ते रहो साथियों, मंजिल नजदीक है। इनकलाब जिंदाबाद, अमन लीग जिंदाबाद। आलू 10 रुपए किलो, टमाटर 5 रुपए दर्जन। हेलो डॉक्टर साहब, आलू 10 रुपए किलो, टमाटर 5 रुपए दर्जन। देखें जी, मैं डॉक्टर मुअज्जम अली नियाजी, चेयरमैन पाकिस्तान अमन लीग, घर घर में अमन का पैगाम पहुंचा रहा हूं। पैगाम पहुंचाने के साथ साथ मैं 10-15 किलो सब्जी भी बेच लेता हूं। इंकलाब और सब्जी, बात कुछ समझ में नहीं आई। जैसे नून लीग का नारा है शेर एक बारी फेर, इसी तरह मेरा नारा है अम लीग जिंदाबाद, आलू 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। तो बस 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 डॉक्टर साहब, सुना है कि आपने पानी से पेट्रोल बना लिए, अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं आता। देखें जी, अगर पानी से बिजली बन सकती है तो पानी से पेट्रोल भी बन सकता है। पानी को पेट्रोल बनाने वाला फार्मूला मेरे पास आ गया है। अगर तुम कहो तो मैं सारे समुद्रों के पानी को अभी पेट्रोल बना दूं। हाय, रहने दे डॉक्टर साहब, अगर सारे पानी को पेट्रोल बना देंगे तो हम पिएंगे क्या? हम बारिश का पानी इस्तेमाल करेंगे और हम तिजारत करेंगे। मैं इतने आलू उगाऊंगा कि हर जगह आलू ही आलू होंगे। घरों में आलू, बाथरूमों में आलू, बेड पर आलू, बेड के नीचे आलू, आलू ही आलू। इतने सारे आलू का आप करेंगे क्या? ये अभी मैंने सोचा नहीं। सर, अच्छा सर ये बताएं कि अगर आप इलेक्शन 2018 जीत गए तो क्या करेंगे? मैं पूरे मुल्क में हजामत पर पाबंदी लगा दूंगा। लोग 2-2 घंटे नाइयों की दुकान पर बैठकर वक्त जाया करते हैं। वैसे आपने कब से हजामत नहीं करवाई? जब से मैं नहाया नहीं। आप आखिरी बार कब नहाए थे? आज से 15 साल पहले की बात है कि मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में अचानक बारिश हो गई और मुझे मजबूरन नहाना पड़ा। आप नहाते क्यों नहीं? नहाने पर वक्त बर्बाद होता है और पानी जाया होता है। अच्छा ये बताएं कि आपका मंशूर क्या है? हमारा मंशूर बहुत सादा है, हम इक्तदार में आने के बाद हर कुंवारे को मोटरसाइकिल के लिए मुफ्त पेट्रोल देंगे। सिर्फ
कमारों को शादीशुदा को क्यों नहीं? वो इसलिए कि शादीशुदा ज्यादा नून लीग के हामी हैं। हाँ, शादीशुदा लोगों को गुलामी करने की आदत जो पड़ जाती है। वैसे आप पानी से तो पेट्रोल बना रहे हैं, इसके अलावा आप और क्या क्या बना रहे हैं? इसके अलावा मैं तरबूज से एटम बम बनाने का तजुर्बा कर रहा हूँ। तरबूज से एटम बम, ये कुछ ज्यादा नहीं होगा? मेरा तजुर्बा बस कामयाबी के करीब है। इसके बाद मैं पेट्रोल देने वाली भैंस बनाऊंगा। पेट्रोल देने वाली भैंस? अगर भैंसें पेट्रोल देंगी तो फिर दूध कहां से आएगा? हम दूध पर पाबंदी लगा देंगे, ना दूध होगा और ना गवाले दूध में पानी मिलाएंगे। है तो जेल के डॉक्टर, लेकिन बातें साइंसदानों वाली करते हैं। लगता है कि आप सिर्फ किताबों की जिल्द के माहिर हैं। हेलो, डॉक्टर मोजरम अली नियाजी, चेयरमैन पाकिस्तान आवाम लीग स्पीकिंग। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? जोया मलिक। मुबारक हो, एक वोटर और मिल गया है। आज जोया मलिक के नाम से रजिस्टर कर लो। क्या? मैंने जो पेट्रोल बनाया था फिर पानी बन गया? मैं भी आता हूं। जन करोड़ों बार करूंगा। आदमी आना साहब, मजाक तो वो लोग बना रहे हैं जिनका एहतसाब हो रहा है। तहरीक इंसाफ के अरकान शेख रशीद की क्यादत में असेंबली में इस्तीफे देने गए तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। देखे खान साहब, मेरे अकेले के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब इतना इस्तीफे दे तो हुकूमत ऐसे गिरेगी जैसे बंदा गीले फर्श पर तिलक के गिरता। शेख साहब, मैं असेंबली से इस्तीफा कैसे दे दूं? मेरी कभी इस महीने की तनख्वाह भी नहीं आई। कल से मेरी नींद पॉलिश और लिपस्टिक भी खत्म हो गई है। वो खान साहब तो किसी को 10 रुपए उधार दे देना, उसके बाद ईमेल भेज के उसका जीना आराम कर देते। वो कुदौलत कहां से देंगे? देखो जी, खान साहब की तिजोरी में 20 रुपए हो तो खान साहब कुत्ता तिजोरी के साथ बांध देते हैं कि कहीं चोरी ना हो जाए। कुत्ता? अरे 20 रुपए। अच्छा अच्छा। अब देखो जी, शेख की बात पर तवज्जो दे, वही से ज्यादा आपके इस्तीफे जरूरी है। ओके शेख साहब, अगर हम सब मिलकर जोर लगाए ना तो हुकूमत मुंह के बोल गिरेगी। वो जैसे कुर्बानी के वक्त गए को वो डगी डाल के नहीं खींच के गिराते हैं। ये ठीक है, मेरा भी इस्तीफा तैयार है। हमें सस्ते इस्तीफे देने चाहिए, जैसे हुकूमत गैस पानी और बिजली के बिल इकट्ठे पहुंचाती है। चल, एक ही गृह आमदन था शेख साहब, वो भी बंद करवाने पे चले हुए। अब देखो जी, शेख का मशवरा और बाप का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। चले फिर इस्तीफे देने असेंबली चलते हैं। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newsag.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमेशा से फॉलो करते रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।